हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, हम पहले पार्ट में पिकनिक का और दूसरे पार्ट में सरबगढ़ डैम का नज़ारा आपको दिखाए थे। तो अभी डैम से हम निकल रहे हैं दोस्तों, और गाइज अभी हम चलते हैं बोटिंग की तरफ, जहां पर है एक पार्क है, वहां पर बोटिंग भी किया जाता है। तो गाइज वहां पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर हमें बोटिंग वगैरह करने के लिए मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि 10 तारीख के अंदर, जनवरी 1 से 10 तारीख के अंदर बहुत सारा लोग यहां पर आ रहे हैं, बहुत ही भीड़ है, पिकनिक स्पॉट बहुत ही भीड़ आ रहा है दोस्तों। तो गाइज बोटिंग का हाल कैसा है देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर 30 रुपये देकर काट लिए टिकट, पार्किंग की भी कर लिए हमारे गाड़ी। सो गाइज अभी चलते हैं पार्क की ओर। तो गाइज देखिए, पार्क पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग यहां पर दुकान वगैरह जो सब है, हर कोई कुछ ना कुछ खाना वगैरह खरीद रहे हैं। सो गाइज ये देखिए ये क्या है, आप सभी को मालूम चल गया होगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, ये देखिए टिकट घर देखते हैं क्या होता है। टिकट घर में काफ़ी सारे लोग हैं दोस्तों, टिकट वगैरह काट रहे हैं पार्क के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर रेट दिया गया है, जो बोर्ड आप देख रहे होंगे आप नोट कर सकते हैं कौन सा रेट कितना है, मतलब किसका कितना रेट है। तो गाइज हम लोग जितना भी गए थे सबका टिकट तो हम ले लिए, अभी अंदर की ओर चलते हैं गाइज। सो फ्रेंड्स, यहाँ का माहौल बहुत ही खूबसूरत है, हर तरफ पेड़ पौधे ही लगा हुआ है, चारों ओर छांव है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज हम लोग अंदर तो आ चुके हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। और गाइज थैंक यू सो मच जो आपने वीडियो वगैरह लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हो। तो देखिए अंदर पार्क का नज़ारा देखिए, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए घूमते हैं और कुछ नज़ारे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लिखा है बोटिंग, तो इस रूट पर जाने से बोटिंग के लिए हमें मिलेगा। तो चलिए चलते हैं गाइज, और बोटिंग करना हो तो इन दिनों ज़्यादातर बहुत सारे भीड़ हो रहे हैं दोस्तों, तो अगर हर किसी को अगर बोटिंग करना है तो जल्दी आना चाहिए हमें, या तो पिकनिक करना हो तो जल्दी करके 12 बजे के अंदर ही चले आने से बोटिंग करने के लिए मौका मिलेगा। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं दोस्तों, 3 बजे तकरीबन हम यहां पर पहुंच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है बोटिंग में जाकर। सो गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं बोटिंग करने के लिए। तो ये देखिए एक बोट आ रहा है, और गाइस यहाँ पर पानी को लगकर ही जंगल है और जो पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है। आप अगर बोटिंग में बोट में बैठकर अगर जाएंगे तो बहुत गजब का नज़ारा लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर हम रेड जो चार्ट देखे उसमें लिखा था कि 15 मिनट पर एक व्यक्ति का 100 रुपये ले रहे दोस्तों, 7 जन का सीट में 700 रुपये। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, 15 मिनट आप मस्त घूम सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, ये देखिए नौका विहार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो टिकट काटे हैं उनका अंदर जाने दिया जा रहा है। तो गाइस हम यहाँ पर पता लगाए कि बहुत सारे लोग पहले से आकर टिकट वगैरह कर दिए हैं। तो गाइस समय की कमी के वजह से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो
और कुछ ही समय में पता चल जाएगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, आपको भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइस हमारा दोस्त और हम भी थोड़ा ट्राई कर रहे हैं टिकट के लिए, देखते हैं क्या होता है। बारह बजे से टिकट खत्म हो गया था। भीड़ भाड़ खाली कब रहेगा? दस के बाद उसके बाद जनवरी 10 के बाद आओ। अगर उसके बाद भीड़ रहेगा तो टिकट ना पाना। अरे हम लोग तैर सकते हैं। सो गाइज हमें निराश होकर जाना पड़ेगा। आप लोगों ने सुन लिया, मतलब अभी टिकट पूरा फुल हो चुका है और नहीं मिलेगा, क्योंकि समय की कमी के वजह से भी नहीं हो सकता, क्योंकि शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक यहां पर बोर्डिंग वगैरह किया जाएगा और बाकी तो रात हो जाएगा। सो गाइज यहां पर टिकट वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग को आज निराश होकर जाना पड़ेगा घर दोस्तों। तो कोशिश करते हैं, अगर आप कोई अगर यहाँ पर आएँ तो जल्दी आएँ, बोटिंग के लिए आना चाहते हैं तो, क्योंकि समय की कमी की वजह से शाम को नहीं होता है, तो जल्दी आकर बोटिंग करके पिकनिक वगैरह करके अपना जो दिन है अच्छे से जाए, हम यही दुआ करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मील भी मिलता है, देखिए मील का जो एक बोर्ड था उसमें नंबर भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा झूला वगैरह है, देख रहे होंगे बच्चे लोग कितना अच्छे से झूल रहे हैं। चलिए घूमते हुए बाहर निकलते हैं अभी। सो गाइज अभी हम निकलते हैं घर की ओर, तो इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।